स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है ड्रिल जिग। तो आज हम ड्रिल जिग की असेंबली करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक रेफरेंस लाइन लेते हैं 160 mm की। ये 160 mm की हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली, जो कि हमारा बेस रहेगा और इसी बेस से ऊपर हमें काम करना है। जो क्वेश्चन में हाइट गिवन है वो है 40 mm है। तो ये लाइट लाइन ले ली, 40 पे डॉट भी लगा लिया हमने साथ साथ। नीचे से फिर हाइट दे रखी है 22 mm, तो वो भी साथ साथ पॉइंट लगा लिया। ये आ गया पहले 40 पे और ये आ गया 22 mm पे। दोनों तरफ से हमने लाइट लाइन ले ली। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 160 mm का डिस्टेंस है, ये लाइट लाइन ले ली और यहाँ से यहाँ तक एक लाइट लाइन ले ली। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है 160x40 का। अब 22 वाले पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन करवा देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमें काम करना है। ये आ गया यहाँ पर। अब 160 का हाफ पॉइंट लेंगे, हाफ मतलब सेंटर पॉइंट, यानी कि 80 ऊपर 80 का डॉट लेंगे और यहाँ पर हम सेंटर लाइन क्रिएट कर देंगे। ये हमारी आएगी सेंटर लाइन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये हो गई हमारी सेंटर लाइन। अब जितना भी डायग्राम बनेगा सब आधा इधर आधा उधर बनेगा, यानी कि सेंटर लाइन से हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वर्क करते हैं। जो हमें ऊपर गिवन है, ऊपर का डाया जो गिवन है वो है 110। तो 55 mm इधर लेंगे और 55 mm उधर पॉइंट ले लेंगे। ये आ गया 55 mm पे और ये आ गया 110 टोटल 55 इधर 55 इधर। यही प्रोसेस एक बार हम नीचे करेंगे। ऐसा नीचे करने का कारण ताकि हमारी लाइन पैलर आए, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल ये लिया और इन पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारी लाइन बिल्कुल पैलर आएगी। डायग्राम हमारा नीट एंड क्लीन चल ही रहा है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट से आपस में इनको ज्वाइन करवाना है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते चलना है। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करवाया और डार्क कर दिया, थोड़ा सा गैप छोड़ने का कारण यहाँ पर फ्लिट लगेगा, यहाँ पर कर्व लाइन आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ये डायग्राम ऐसा है और यहाँ से ऊपर तक हमने पूरा का पूरा उसको ऊपर तक ऐसे मिला दिया है। अब यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होगी सर्कल मास्टर की। तो ये आ गया हमारा सर्कल मास्टर और यहाँ पर जो गिवन है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन 2 mm या 4 mm का डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पर क्या है, 2 mm की रेडियस लगा लेंगे बोथ साइड पे, ठीक है। कहीं कहीं पर फ्लिट दे रखा है किसी किसी बुक में, तो कहीं कहीं पे चैम्फर है, तो हमने यहाँ पर फ्लिट लगा लिया है 2 mm की, क्योंकि कर्व पॉइंट होते हैं ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने ये लगा लिया है कर्व, ठीक है, 2 mm की बोथ साइड, दोनों तरफ। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों तरफ आएगा और इस कर्व को इससे ज्वाइन करवा देंगे और इसको इससे ज्वाइन करवा देंगे। हमेशा यहाँ पर याद रखना है ये ज्वाइन करते वक्त कि ज्वाइन कहाँ से कहाँ तक हुआ है, ठीक है। ये चीज़ अब आप देख रहे हैं कुछ एक बॉक्स टाइप का सीढ़ी नुमा बन गया है। अब हमें क्या करना है, हमें सेंटर लाइन से 30 mm इधर 30 mm इधर, यानी कि टोटल डाया है 60 का, तो 30 mm इधर 30 mm इधर कर हम ऐसे बना लेंगे, दोनों तरफ पॉइंट ले लेंगे। और जो गहराई है इसके अंदर वो है 5 mm। कितनी गहराई है, ओनली 5 mm की डेप्थ है। इसको यहाँ से इस तक डार्क किया, यहाँ से यहाँ तक ये डार्क किया और ऊपर से हम नीचे आ जाते हैं। इन कॉर्नर को पूरा ज्वाइन करवा दिया, यहाँ से ये ज्वाइन करवा दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऊपर से जैसे ये बन गया है इतना पोर्शन, तो ऊपर से यहाँ पर आएंगे 5 mm। कहाँ पर, यहाँ पर ये रखा हमने, यहाँ से 5 mm ये डार्क हो गया, 5 mm ये डार्क हो गया है। अब इन दोनों को मिला देंगे, यानी कि एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल के अंदर एक छोटा सा स्लोट है, गड्ढा है, वो बना हुआ है एक रिंग टाइप का, तो ये बन गया है। अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से इसके अंदर एक पिन डली हुई है। जो पिन डली हुई है, जो छोटा सा स्क्रू डला हुआ है, उसका डिस्टेंस है डाया 40। तो डाया 40 का हाफ 20 इधर और 20 इधर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको स्लोटेड स्क्रू बोलते हैं और ये M6 का है और लेंथ इसकी 50 है। तो यहाँ पर हम काम करेंगे, 8 mm की टोटल इसकी हाइट है, यहाँ पर ये 8 mm और यहाँ पर भी हमने एक पॉइंट ले लिया है 8 mm का। और वापस इस पे आए सेंटर पे, यहाँ पर आने के बाद 1, 2 और 3 3 mm इधर और 3 mm इधर। हाइट 8 mm है बट चौड़ाई जो है वो 6 mm है, तो पॉइंट से दोनों तरफ 6-6 3 mm इधर 3 mm इस सेंटर से ले लेंगे। अब यहाँ पर इसकी सेंटर लाइन अलग है, याद रखना, इस कॉर्नर की जो हमने 40 वाला लिया था ना, 20 इधर 20, तो 20 इसका सेंटर पॉइंट आ गया है। यही लाइन हम ऊपर ले जाएंगे और यही लाइन हम इधर से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को हम
नॉर्मली अपने वर्क को कंप्लीट करते चलेंगे जो डार्क है, जैसे यहाँ से एक बिल्कुल लाइट लाइन ले लेंगे एक्स्ट्रा 1 mm की। ऐसा कारण क्यों है, क्योंकि एक स्लोट है उसका डिस्टेंस भी गिवन है हमें यहाँ से, तो 1 mm बाहर ले लेंगे, ठीक है, 6 से बाहर आ जाएगा और इसको हम ज्वाइन करवा देंगे कुछ ऐसे एक नट टाइप के। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टार्टिंग में ही नट इसके सॉरी स्क्रू जो है वो हमने पुट कर लिया है, पहले से ही हम स्क्रू लेके चलते हैं। अब इसके अंदर पूरे के अंदर हैचिंग दिखा देते हैं कुछ ऐसे, ये वाला साइज रहेगा हैचिंग का ऐसे करके, और चलिए देखते हैं सारे में हैचिंग कैसी दिखाई देगी। ऐसे आ गई हैचिंग, और जो भी डायमेंशन पुट करनी थी वो हमने डायमेंशन पुट कर दी है। सेकंड पार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले सेंटर लाइन को हम बढ़ाएंगे यहाँ से, इसको इस सेंटर लाइन को हम बढ़ा लेते हैं ऊपर तक का डिस्टेंस के साथ, ये आ गया। अब टोटल जो डिस्टेंस प्रोवाइड है हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये है 30 mm इधर 30 mm इधर, दोनों तरफ 30-30 है, तो हमने दोनों तरफ 30-30 लिया। इस पॉइंट को हम बिल्कुल लाइट लाइन के साथ ऊपर ज्वाइन करवा लेंगे, ठीक है, हल्की सी लाइन इसको इरेज कर देंगे छोटे वाले सेंटर को, और ये आ गया प्रॉपर पॉइंट को देखना है, ये प्रॉपर पॉइंट बिल्कुल हल्का सा 19-20 डिसमैच हुआ है, इसको यहाँ से लेकर अब हम ये कर देंगे। तो देखें यहाँ पर हमारा 30-30 बराबर आ गया है। इन छोटी छोटी सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और आपका डायग्राम जो है लाइन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, कहीं पे 19-20 का फ़र्क ना आए। अगर 19-20 का फ़र्क आता है तो डायग्राम में हल्का सा टेपर आएगा ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये ले लिया। अब टोटल जो हाइट है 5 mm वो, और ऊपर 40, टोटल 40 mm है, तो 5 नीचे आ जाएगा, और एक लाइट लाइन ले ली यहाँ पर कुछ ऐसे। अभी ये लाइन आपको दिख रही होगी टेपर में है ना, अपोजिट साइड की, बट वो टेपर नहीं है माय डियर, बिल्कुल ठीक है, कैमरा एंगल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर हमने फिर 40 पे डॉट लगाया, और इधर पे भी हमने पहले इस लाइन को बिल्कुल सीधा करते हुए और उस 80 तक गए हम। तो यहाँ पर दोनों तरफ हम पॉइंट लगा लेंगे। टोटल जो हाइट गिवन है वो है 120, टोटल हाइट कितना है 120 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 120 है। तो यहाँ से हमने 40 पे डॉट लगाया और डार्क कर लिया इस लाइन को। अब 40 के अंदर का एक डाया चेंज है, 5 mm पे डॉट लगाया, ये 5 mm पे डॉट लगाया और इसको ज्वाइन करवा लिया बिल्कुल लाइट लाइन से। माय डियर 40 mm की हाइट तक डाया था 60, अब जो हमने ये लाइन ली है इस पे 25 mm इधर 25 mm इधर, यानी कि 60 से छोटा हो गया 50 mm, तो 25 mm ये डॉट लग गया और 25 mm ये डॉट लग गया, दोनों तरफ डॉट लग गया। अब जो नीचे वाली लाइन है ना 60 वाली, उसको इससे मिला देंगे टेपर वे में, तो यानी कि यहाँ पर जो ये वाला स्ट्रीम है इसमें टेपर पन आया हुआ है, तो ये हमने ऐसे करके ज्वाइन करवा दिया। आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा लाइन को हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमें अभी ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत होगी उसको रखेंगे। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे गई आपको। अब क्या करना है, 25 mm फिर हम ऊपर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, यह आ गया 25 mm पे डॉट लगाया, 25 mm पे डॉट लगाया। अब इसकी जो हाइट है क्वेश्चन में वो है 40 mm, तो हमने 40 mm पे सिर्फ डॉट लगाना है, और नीचे से 5 mm ड्रॉप करके है, तो 5 mm ये आ गया 40 mm पे डॉट, और ये डार्क कर लिया, सॉरी अभी लाइट रखेंगे, डार्क हम हमेशा एंड में करते हैं, 5 mm छोड़कर ये हमने ये लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ से टच करते हुए एक लाइन बना लेंगे, ये लाइन बना ली। जब हम ये बनाते हैं तो यहाँ पर डाया देखो छोटा हो गया, अब जो ऊपर का होगा और भी डाया छोटा हो जाएगा, जिसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है 54 गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर स्केल रखकर पहले हम इस स्क्रू यहाँ से ये लाइट लाइन ले लेते हैं, ठीक है, पॉइंट ले लिया 120 का। ये क्यों लिया, ये इससे ऊपर हमें काम नहीं करना, इससे ऊपर हमें नहीं जाना। अभी देखो आपको लग रहा होगा ड्राफ्टर टेढ़ा रखा हुआ है, बट माय डियर स्टूडेंट ड्राफ्टर बिल्कुल ठीक है, कैमरे एंगल की वजह से प्रॉब्लम है, अदरवाइज हमारा ड्राफ्टर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। यहाँ से अब हमने 54 का हाफ ले लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम ऊपर कैसे काम करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये आ गया 27 पे, 25-26-27 ये रखा, ये 27 पे डॉट लग गया, और 27 का पूरा 54 ये आ गया 54 पे। तो हम इधर का भी एक बार दोबारा चेक करते हैं, यस बिल्कुल ठीक है, ये आ गया हमारा बिल्कुल ठीक है, डार्क पॉइंट कर लिया है, ये आ गया हमारा, यानी कि यहाँ तक हमारे पॉइंट बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। वही प्रोसेस एक बार हम नीचे करेंगे, ये पॉइंट 27 पे, और इधर से फिर 27 पे हमने डॉट लगा लिया, 25-26-27 ये आ गया 27 पे, और यहाँ से यहाँ तक एक लाइट लाइन ले ली, ठीक है, 5 mm हमने ये डॉट लगाया, ऊपर से नीचे तक टेपर में मिला दिया जैसे हमने नीचे किया था, वही चीज़ हमने यहाँ से यहाँ तक किया, 5 mm पे डॉट लगाया, इसको इससे ज्वाइन करवाया
टेपर वे में, और रिमेनिंग नीचे वाले पोर्शन को डार्क कर लिया, नीचे वाले पोर्शन को डार्क कर लिया, यानी कि यहाँ तक हमारा ये था नीचे का 60, बीच का हमारा 50, ऊपर का 54, ठीक है 54। अब इसको डार्क कर लिया और इसको डार्क कर लिया, तो देखो कितने बेहतरीन तरीके से हमारे एक पार्ट के अंदर दूसरा पार्ट बनता जा रहा है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर इस स्लोटेड नट की जो हाइट है 25 mm गिवन है, ये हमने इससे उठा दी और फिर उठा दी, यानी कि टोटल जो हाइट है स्लोटेड नट की वो है 50, तो नीचे 25 आ गई थी, ऊपर 25 आ गई है। इसको हमने जॉइन करवाया इससे, और 2 से 3 mm पे हम फिर ऊपर पॉइंट लेंगे, और यहाँ पर क्या होगा 2 mm इधर 2 mm इधर, टेपर एंगल दिखाते हैं, ठीक है। ये लेंथ में कभी भी कवर नहीं होता, याद रखना ये लेंथ में कवर नहीं होता है, ये हमेशा टेपर थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है। ये दोनों तरफ से हम इसको ऐसे ज्वाइन करवा देंगे। अब यहाँ पर 0.5 mm के अंदर और 0.5 mm के इधर हम थ्रेड को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि देखो ये स्क्रू है तो इसके अंदर कसा होगा इन दोनों पार्टों को, ठीक है। तो इसने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को आपस में ज्वाइन करवा लिया है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स की मदद से। अब हम यहाँ पर आए सेंटर पे, और सेंटर पे डाया जो है वो है 20, यानी कि इसके अंदर एक होल है जिसके अंदर हमारा स्टड जाएगा, बोल्ट जाएगा, तो 10 mm इधर 10 mm इधर, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसकी हाइट है वो है 54, तो हमने पहले 10 mm इधर करके, अब हम ऊपर से नीचे आएंगे, ये ले लिया 10, 20, 30, 40, 50 और 4, 54, तो ये 10, 20, 30, 40, 50 और 4, 54, 54, ये आ गया 54 पे हमने टोटल हाइट ले ली है। यही प्रोसेस हम अपोजिट साइड करेंगे, डायग्राम डार्क नहीं करेंगे, लाइट रखेंगे, जब हमें लगता है हमारा डायग्राम अच्छा लग रहा है तब हम डार्क करेंगे, डायमेंशन के हिसाब से चलेंगे। 54 के बाद 2 से 3 mm हम नीचे लेंगे, और 1-1 mm हम थ्रेड का डिपेंड छोड़ देंगे, बोथ साइड से हम 1 mm ड्रॉप करेंगे। कारण क्या है कि थ्रेड जो है 1-1.5 mm ऊपर नीचे हो जाती है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से हमने ये किया, और एक एम एम की हमने एक लाइट लाइन ले ली। डार्क हम जब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा डायग्राम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, तो हम यहाँ पर एक लाइट लाइन ले लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट पर काम करते हैं, ये चीज़ जो है इसके अंदर पूरी हैचिंग दिखा देते हैं। तो चलिए एक बार हैचिंग दिखा देते हैं आपको, हैचिंग कुछ ऐसी होगी। अब ये हैचिंग कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, है ना। अब हमने क्या किया, इस हिस्से को डार्क कर लिया, कारण क्योंकि इसके अंदर हमें अभी काम करना है, इसके अंदर स्टाइल डलेगा एक, तो ये चीज़ डार्क कर लेते हैं। पहले भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, बट हमने सोचा कि बाद में करते हैं, बट ये फाइनल हो गया, फाइनल टच हो गया है। यहाँ पर दोनों के प्रोडक्ट जो भी थे, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब तीसरे पार्ट पे हम ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पर जो है नंबर 3, इसकी जो डाया है वो है डाया 220, तो 220 का हाफ जो होगा 110 mm इधर हो जाएगा, 110 mm इधर हो जाएगा सेंटर लाइन से। तो चलिए हम पहले इस पे 110 पे हाफ लगा लिया इधर डॉट, अब यहाँ पर आ गए 110 पे हमने लगा लिया ये डॉट, ठीक है, और इसको ज्वाइन करवा लिया बिल्कुल लाइट लाइन से। ये हमारा सेकेंड पार्ट के बेस से टच हो जाएगा, एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर दिया। यहाँ पर हाइट जो है, क्वेश्चन की हाइट गिवन है 25 mm, तो ये 25 mm नीचे आ जाएगा, यानी कि पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है 25 mm, तो ये 25 mm का हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, दोनों तरफ पॉइंट लेंगे 25 25, ये आ गया 25 का, यहाँ पर डॉट ले लेते हैं पहले, चलिए ये 10, ये आ गया पूरा 25 पे डॉट। सेम यही प्रोसेस हम करते हैं अपोजिट साइड से, और अपोजिट साइड से पॉइंट लेने के बाद इनको ज्वाइन करवाएंगे, यानी कि पार्ट 2 के अंदर पार्ट 3 जब आया तो डिस्टेंस कितना आ गया, मतलब 3 पार्ट 2 पार्ट के अंदर 25 mm तक अंदर जा चुका है। यहाँ पर असेंबली हो रही है अभी ये, ठीक है। जैसे हम नट और बोल्ट को चढ़ाते हैं तो कितना बोल्ट जो है नट के अंदर कितना जा चुका है 25 mm तक, ऐसे अब यहाँ पर क्या है 4 mm की, 4 mm के दोनों तरफ एक चैम्फर दिया गया है 4 mm का, तो हम क्या करेंगे 4 mm इधर ले लेंगे, 4 mm इधर ले लेंगे, और एक टेपर कट दे देंगे कुछ ऐसे, और जो कॉर्नर पॉइंट है उसको हम इरेज कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई ऐसे, और इसको हम डार्क कर लेंगे। यही प्रोसेस हम अपोजिट साइड करेंगे, 4 mm इधर, 4 mm इधर, और इसको ज्वाइन करवाएंगे टेपर फॉर्म में। अगर कर्व देते तो वो फिलेट कहलाता, अगर हम एंगल दे रहे हैं या लेंथ दे रहे हैं, डायमेंशन दे रहे हैं, तो वो चैम्फर कहलाएगा। और ऐसे इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद इस लाइन को ऊपर से नीचे तक हमने ज्वाइन करवा दी,
और नीचे के बेस को हमने पूरे को पूरे को ज्वाइन करवा दिया। ध्यान रखना है कहीं पे कोई नट या कोई बोल्ट तो नहीं आ रहा है जो इसके आर पार जाए, बस इन छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, एक लाइन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हमने क्या किया पूरी की पूरी डायग्राम को लाइट डार्क कर दिया अभी यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना, पार्ट थ्री के अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना, ये आ गया। अब आ जाते हैं हम इसके अंदर, एक इसके अंदर जो है साइड में नट डलेंगे, बोल्ट डलेंगे, तो उन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस है 42, एक साइड का डिस्टेंस है 42। सबसे पहले हम 42 लेते हैं, 42 के अंदर क्या है, एक स्क्रू डलेगा, ठीक है, और बुश जो डलेगा उसका पीसीडी अलग होगा। तो पहला पीसीडी आता है 42 का हाफ है, ये 42 जो है रेडियस है, तो हमने 42 इधर लिया और एक सेंटर लाइन ले ली, ठीक है, ये सेंटर लाइन ले ली। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो डाया है वो है 17, तो 17 का आधा जो होता है हाफ इस सेंटर से इधर लेंगे, इस सेंटर से, अभी तक हम काम कर रहे थे उस सेंटर पे, अब काम करेंगे इस सेंटर पे, तो 8.5 mm इस सेंटर से उधर और 8.5 सेंटर से इधर, और ऊपर से नीचे आ जाएंगे। अब कितना नीचे आएंगे, टोटल जो डिस्टेंस हमें गिवन है नीचे से 16 mm है, यानी कि नीचे से 16 mm है और ऊपर का जो रिमेनिंग रह जाएगा उसको हम लाइट लाइन से ज्वाइन करवा लेंगे, कारण क्योंकि इसके अंदर स्क्रू डलेगा। ये डार्क हो गया, ये चीज़ डार्क हो गई, बाकी पूरा डायग्राम को हम डार्क नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ गए हम नीचे, यहाँ पर है डाया जो गिवन है हमें वो है 12 का हाफ, 6 mm इधर, 6 mm इधर, ठीक है, 5 और 1 6 mm, इन छोटी छोटी सी चीज़ों पर ध्यान देना है, 6 mm। अब जो ये कॉर्नर है इसको हम ज्वाइन करवा देंगे, तो यहाँ पर देखो कुछ एक हेड टाइप का बन गया, जैसे बोल्ट होता है उसका हेड बन गया, इसके अंदर एक स्क्रू आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर एक स्क्रू आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखिए एक पार्ट बना लिया है कंप्लीट। अब हम चलते हैं दूसरा, जो दूसरा सर्कल बनेगा उसका पीसीडी है टोटल 160, तो 160 का आधा जो होगा 80 mm। अब ये मेन सेंटर पे वापस आ जाते हैं, मेन सेंटर लाइन पे 80 mm इधर और 80 mm इधर, दोनों तरफ हम ऊपर और नीचे डॉट पॉइंट लेंगे, डॉट पॉइंट लेने के कारण ताकि हम सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है, सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तभी तो हमारा डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पर हमने दोनों तरफ सेंटर लाइन दिखा दी है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो होल है जिग के अंदर, ड्रिल जिग के अंदर जो होल है वो कितना है, वो है डाया 24, तो 24 का हाफ अब इस सेंटर से इधर लेंगे और हाफ उधर लेंगे, तो दोनों तरफ ऐसा हम प्रोसेस करेंगे, ऊपर नीचे भी और राइट और लेफ्ट साइड बोथ साइड, और इसको क्या करेंगे हम ज्वाइन करवा देंगे ऐसे करके। तो इसके अंदर बुश डलेगा, वो बुश हम डालेंगे बाद में, पहला ये प्रोसेस हम पहले ऐसे बना लेते हैं। ये नॉर्मल ड्रिल किया हुआ है, सिर्फ एक होल ड्रिल किया हुआ है जिसका डाया जो है 24 है, तो हमने 12 mm इधर और 12 mm ये ले लिया है, इन दोनों को ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। एंड में इसमें बुश डालेंगे, वो बाद में देखेंगे, फिलहाल अब जो है रिमेनिंग लाइन को डार्क करेंगे, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन डार्क कर दी, ठीक है, और ऐसे करते हुए जितनी भी पॉसिबल लाइन है जो डार्क करने की है वो डार्क करेंगे, जो लाइट है अभी लाइट रखेंगे, डायग्राम को देखते चलेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, क्योंकि इसके अंदर कुछ डलेगा नहीं, कोई स्क्रू कोई नट वट नहीं डलेगा, तो हमने इसको पूरा सिर्फ बुश डलेगा, और बुश का जो हाइट है वो भी 25 है, तो हमने ये इतना डार्क कर लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर इसके अंदर के, यहाँ पर जहाँ पर स्टड डलता है, स्टड हम बिल्कुल एंड में डालेंगे हम, ठीक है, तो पहले इसके अंदर हैचिंग कर लेते हैं। ये आ गई हैचिंग, ऐसे लाइन आ जाएगी, हर हैचिंग अलग अलग होनी चाहिए एक दूसरे से, तो देखिए पूरी हैचिंग ये हो गई हमारी, यहाँ पर ये देखेंगे ये हैचिंग आ गई, ठीक है। अब इसके ऊपर एक वाशर आएगा, जो कि वाशर जो है उसकी हाइट जो है 12 mm है, 12 mm की वाशर की हाइट है, तो चलिए सबसे पहले उसको देखते हैं हम, सेंटर से इधर कितना है, सेंटर से इधर है 33, तो ये आ गया 33 पे डॉट लिया और 12 mm की हाइट ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में जो है 12 mm की हाइट गिवन है। मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ आपको इसकी असेंबली वाली जो डायग्राम, सॉरी डिटेल वाली डायग्राम भी दिखा रहा हूँ आपको, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, अब इसको हमने एक लाइट लाइन से ज्वाइन करवा लिया, यहाँ का था 33 बट अपोजिट साइड कितना है, अपोजिट साइड है 42, यानी कि 42 की ऑलरेडी हमने एक सेंटर लाइन ले रखी है, इसको हम ऊपर तक ले जाएंगे, ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का पहले डायग्राम देखो, नॉर्मल डायग्राम था ये, 42 वाली ऑलरेडी हमने सेंटर लाइन ले रखी है, तो इसको हम बढ़ा लेते हैं, ये हमने ऊपर तक कर ली। अब आ जाते हैं इससे आगे कितना चलना, इससे आगे चलना 15 mm, तो 15 mm ये आ रहा है हमारा, ठीक है, ये हमने 15 mm एक्स्ट्रा ले लिया है। 15 mm एक्स्ट्रा लेने के बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर देखेंगे 15 mm ये आ गया, अभी हमने सिर्फ नीचे वाले स्क्रू की लाइन बढ़ाई है, ऊपर ये आ गया ये, और ये डार्क कर लिया,
ठीक है। और अब हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम डार्क करते चलते हैं, कहाँ से कहाँ तक होगा देखते चलना है। यहाँ से बस पूरे को डार्क कर दिया, क्योंकि इसके अंदर स्क्रू डलेगा, ये चीज़ पूरा डार्क कर दिया, ये चीज़ पूरा डार्क कर दिया। इसके अंदर की लाइन को हम चाहें तो मिटा सकते हैं, ये मिटा दिया है, इरेज कर दिया है। अब यहाँ पर हम फिर स्केल लेंगे और इसके अंदर जो हैचिंग है वो भी दिखाएंगे। उससे पहले हम इस लाइन को डार्क करेंगे, लाइन भूल गए थे डार्क करना, ये चीज़ डार्क करी और यहाँ से इसको डार्क किया, हाइट को 12 mm को, और अंदर वाले पार्ट में भी हम यहाँ पर डार्क करेंगे इस हिस्से को, यहाँ से यहाँ तक। सिर्फ स्टड का डिस्टेंस छोड़ना है, स्टड STUD स्टड का छोड़ना है, बाकी सारा डायग्राम अब इसके अंदर हैचिंग करते हैं। और हैचिंग का तरीका जो होगा बिल्कुल अलग होगा, यानी कि तीन तरह से हम हैचिंग दिखा चुके हैं, अब चौथे तरीके से दिखाने जा रहे हैं। हैचिंग आ जाएगी थोड़ी सी टेपर वे में, ऐसे करते हुए हैचिंग ये आ गई इसके अंदर, यानी कि यहाँ पर हमारे नेक्स्ट पार्ट भी कंप्लीट होता जा रहा है। अब यहाँ पर हम बुश डालते हैं, बुश का जो डाया है बाहर का है 24 और अंदर का जो है वो है 18, तो 18 का हाफ जो होगा 9 mm इनसाइड सेंटर से इधर और सेंटर से इधर, 9 9 mm दोनों तरफ हम पॉइंट ले लेंगे, और पॉइंट लेने के बाद एक एक लाइट लाइन बना लेंगे। ऐसे करके हमने लाइन बना ली है, और इसके अंदर भी हैचिंग लाइन आपको दिखानी है, क्योंकि सॉलिड है, अगर हम किसी चीज़ को कट करते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं एक मोटाई होती है, थिकनेस होती है, उसको हम हैचिंग लाइन के रिप्रेजेंट करते हैं। हैचिंग लाइन सॉलिड पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आई होप आपको डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत मेहनत लगती है, वीडियो कहने के लिए 28 मिनट की है, बट एडिटिंग करते वक्त हमें पता चलता है कि ये कितने टाइम की है। तो प्लीज़ यार मेहनत जो है ना उसको लाइक या सब्सक्राइब किया करो चैनल को, और वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट डाला करो। अटेंडेंस के अलावा भी और कुछ आता है, सर बहुत बढ़िया, कीप इट अप, मेहनत है आपकी, ये चीज़ें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या है, 2 mm ऊपर एक्स्ट्रा लाइन ले ली। इसका जो डाया गिवन है, डाया जो गिवन है वो है हमारा 24, तो 12 mm इधर, 12 mm इधर, और 2 mm की हाइट के साथ बीच में 3 mm का स्लोट कटा हुआ है नॉर्मल स्क्रू के अंदर, तो 1.5 mm इधर लिया, 1.5 mm लिया, टोटल हाइट ली 5 mm, तो ये 5 mm की हाइट ले ली इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नॉर्मल स्क्रू है, स्क्रू को मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पर, ठीक है। जो पेच जिनको बोलते हैं हम लोकल भाषा में, ये वो है, उसको बनाने का प्रोसेस आप देख ही रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करवा दिया, यहाँ से यहाँ तक, जो ये 3 mm का ये गैप आया है बीच में, इसमें हम कोई भी पेचकस डालकर इसको टाइट करेंगे या लूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये टेपर वे में आ गया, और ये भी हल्का सा डिस्टेंस छोटा रह गया है, इसको पूरा कवर किया। बस ड्राफ्टर को चलाते वक्त यही ध्यान देना है कि कैसा डायग्राम है। अभी देखो लाइन लग रही है तिरछी, हालांकि वो सीधी है, बट स्क्रीन है, क्या कर सकते हैं, कैमरा एंगल की प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी वो डायग्राम बिल्कुल ठीक है, छोटा है इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पर ये जो अंदर का डाया है वो है 16, तो 8 mm इधर, 8 mm इधर हमने पॉइंट लिया, ठीक है। पहले था 18, 18 के अंदर हमने 16 mm पुट करना है, ये आ गया इधर, और बिल्कुल लाइट लाइन इसके साथ टच होती हुई जाएगी, टच होती हुई जाएगी एक लाइन, और उसको हम नीचे तक ले लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर जो है ना इसकी हाइट जो है वो है 21, यानी कि ऊपर से नीचे तक आने का प्रोसेस जो है वो है 21, तो 12 mm ऊपर का ऐड हो गया, और बाकी रिमेनिंग जो है वो 220 वाले का ऐड हो गया। तो यहाँ पर ही हमने ले लिया 21, यही प्रोसेस हम करेंगे इधर 21, या आ गया 21, और इसको आपस में ज्वाइन करवा लेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर अब हम जो स्क्रू का जो नीचे का बेस है वो है डाया 12 mm, 12, तो 12 mm का 6 mm इधर आ जाएगा और 6 mm इधर आ जाएगा। बस इन्हीं ही छोटी छोटी सी चीज़ों पे आपको फोकस करना है कि कहाँ पर कैसा आएगा। तो ये 1 mm के बाद इधर आ गया और 1 mm के बाद इधर आ गया। देखो पेंसिल को शार्प भी रखना है। देखो मेरे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्या हो रही है, मैं एक ही पेंसिल को बार बार यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो एक तरफ का गैप तो हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बट दूसरी तरफ का गैप ऐसे लग रहा है जैसे वो गैप है ही नहीं, हमने उसमें शेडिंग कर दी है। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी अगर पेंसिल आपकी शार्प नहीं होगी। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, ये आपको आज पता भी चल गई होगी साथ साथ, क्योंकि प्रॉब्लम भी तभी आती है जब हम कोई काम करते हैं। अब स्टड को भी रिप्रेजेंट करना है, तो पहले हम स्टड वाली लाइन बढ़ा लेते हैं। ये लाइन ले ली, स्टड की जो टोटल हाइट है क्वेश्चन के अंदर वो गिवन है 84, तो 84 जो है हमने बेस से लेंगे, बिल्कुल बेस से लेने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे से लेते वक्त पूरा ये ज्वाइन करवा लिया, ये पूरा आ जाएगा नीचे से ऊपर तक 84, और
यहाँ से ये यह देखेंगे, ऊपर से जो है नीचे से जो है 30 mm गिवन है। 30 mm क्या है, थ्रेड है इसके अंदर, सॉरी 35 mm है, मैं 30 mm बोल गया आपको, 35 mm है। और यहाँ पर ये इसके अंदर ऐसे 1 mm की लाइन ले ली, 1 mm की इधर लाइन ले ली, और कॉर्नर जो है उसको बाहर वाली बाउंड्री से मिला दिए, बाहर वाली बॉडी से टच करवा दिए, और अंदर वाली एक्स्ट्रा लाइन को हमने इरेज कर लिया, क्योंकि इसके अंदर स्टड डालना हम शुरू में ही डालना था, या गैप हम शुरू से ही लेके चलते हैं। ये चीज़ आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे नीचे से 35 mm था ना स्टड, ऐसे ही ऊपर से 30 mm भी है, यानी कि जो थ्रेड्स हैं वो 30 mm पे है, ऊपर से 30 mm पे हैं। तो चलिए 30 mm की थ्रेड्स हमने 35 के नीचे से दिखा दी, ये आ गया 30 पे डॉट, ये ले ली लाइट लाइन दोनों तरफ पॉइंट लेकर, और इसको ज्वाइन करवाया इस पॉइंट को। तो देखे बीच का जो पोर्शन है वो स्क्वायर टाइप का आ गया, यानी बॉक्स टाइप का आ गया एक, और राउंड है, ये मत समझना कि वो स्क्वायर है, वो बिल्कुल राउंड है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अब हमने ये लाइन ले ली ऊपर, जो हमने थ्रेड को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, ये चीज़ ले ली। अब यहाँ पर ये पार्ट हमारा स्टड कंप्लीट होता है, अब यहाँ पर डलेगा हेक्सागोनल नट। तो हेक्सागोनल नट को इसके एम है 24, एम 24 है। तो बस पहले सेंटर लाइन को हम डार्क कर लेते हैं, पेंसिल को हमने थोड़ा सा शार्प किया क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। अब हमने 12 mm बाहर लिया, डाया 24 से बाहर लिया 12 mm, ठीक है, ये आ गया 12 mm, और ये हाइट ले ली पूरी पूरी, ठीक है। यही प्रोसेस करेंगे 12 mm, और यहाँ पर भी लेंगे हम 12 mm, और इसको ज्वाइन करवा लेंगे इससे, बस। अब इसके अंदर हमारा हेक्सागोनल नट बनेगा, और नट बनाने के लिए या तो पूरा मेथड यूज़ करें, या हमारे पास सर्कल मास्टर है तो उससे करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए हम सर्कल मास्टर को लेके आते हैं, पहले इस लाइन को हल्का सा लाइट लाइन ले लेके साथ ज्वाइन करवा लेते हैं। ये आ गया हमारा सर्कल मास्टर, और सेंटर से टच करते हुए ऊपर से नीचे तक एक कर्व दे देंगे, ठीक है। ये आ गई पहली कर्व, ऐसे दिखाई दे रही होगी आपको। अब हम दूसरी कर्व लेंगे, दूसरी कर्व लेते वक्त ये ध्यान देना है कि जब भी कर्व हमारी ज्वाइन होगी, जब भी हमारी कर्व ज्वाइन होगी वो हमारे सेंटर वाली कर्व से और दूसरे वाले कर्व तक प्रॉपर मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार आपके सर्कल मास्टर को मूव करवा के देख रहा हूँ। ये देखें, ये वाली हो गई ज्वाइन, तो इसको ऐसे करते हुए हमें प्रॉपर काम करना है। हमारा डायग्राम भी अगर हम नॉर्मली देखें तो कंप्लीट हो चुका है, बट थोड़ा सा टच पॉइंट रहते हैं एंड द लास्ट, ये चीज़ आ गई, और ये हमने जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको इरेज कर लिया है। इरेज करने के बाद हम छोटे छोटे पॉइंट्स को डार्क कर देंगे। ये आ गया, इसको भी डार्क है ऑलरेडी, यहाँ पर थ्रेड्स ऑलरेडी हमने पहले से दिखा रखी है। ये वाली लाइन इसको हम डार्क कर देंगे क्योंकि वो बॉडी से ऊपर रखा गया है। देखें डायग्राम हमारा पूरा बन चुका है। यहाँ पर ड्रिल जिग का फ्रंट व्यू रेडी हो गया है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऊपर एक बार और हम कर्व दिखा देते हैं, कर्व दिखाने का कारण ताकि हमें स्टड जो है वो दिखाई दे के हमारा हेक्सागोनल नट से बाहर गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ जो है ये आ गया, पूरा पूरा हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट होने के बाद एक बार मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा पूरा, और साथ साथ इसकी डायमेंशन पुट कर दूंगा, ठीक है। देखिए डायग्राम कितना साफ सुथरा बना है। तो ये आ गई इसकी पूरी डायमेंशन आ गई है। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। डायमेंशन ज़्यादा से ज़्यादा पुट करें और नाम ज़्यादा से ज़्यादा दें, ठीक है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।